नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 जनवरी 2021। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदू की करेंट्स न्यूज़ को स्टैटिक पार्ट के साथ कोरिलेट करते हुए डिस्कस करते हैं। सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर सेंटर्स प्लान्स विल्ड अ 3 टाइम्स बिगर पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के बाद उसे आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी गई थी, क्योंकि इस कोविड काल में हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को या इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। यानी जो पिटीशन दायर की गई थी उस पिटीशन में ये चीज़ें कही गई थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उस पर पैसा खर्च करने से सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है और इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो पुरानी सांसद है उससे इतर एक नई सांसद का निर्माण किया जाएगा। तो जो यह नई सांसद है, इस नई सांसद में 888 लोकसभा में सीटें और 384 राज्यसभा में सीटें अवेलेबल हो जाएंगी, यानी दोनों को मिलाकर तो 1272 सीटें उपलब्ध होंगी। पुरानी सांसद जो हैं यह सर एडविन लुटियस और सर हर्बर्ट वेकर के द्वारा 1912 में यह डिज़ाइन किया गया था और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 1921 में स्टार्ट हुआ और यह 1927 में कंप्लीट हो गया था। पुरानी सांसद जो है यह चौसात योगिनी मंदिर, मैथाली मंदिर जिसे आज एक तारसो महादेव टेंपल के नाम से जानते हैं से इंस्पायर थी। ये मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो ये पुरानी सांसद हुई। जो नई सांसद है अब बनेगी, यह नई संसद 3 त्रिकोणीय आकार की है। ये जो 3 त्रिकोणीय आकार की, इस तरीके से नई संसद का निर्माण किया जाएगा और जो ये संसद का डिजाइन तैयार किए हैं, आर्किटेक्ट है इसके, वे बिमल जलान जी हैं। बिमल जलान इसके आर्किटेक्ट हैं और कंस्ट्रक्शन का जो इसे वर्क दिया गया है तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इस नई पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन का कार्य दिया गया है। इसकी जो कॉस्ट है 971 करोड़ लगभग और 64,500 स्क्वायर मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा और यह देश की जो जब 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट की जाएगी यानी 2022 में, तब इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हुआ विस्टा प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। नेक्स्ट न्यूज है, यूके पीएम बोरिस जॉनसन कॉल्स ऑफ इंडिया विजिट। यानी इस गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट होने वाले थे यूके के बोरिस जॉनसन, यानी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वे इस वर्ष के गणतंत्र समारोह के चीफ गेस्ट थे। तो ड्यू टू कोरोना, यूके में एक कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, तो इसलिए कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इस बार वे इस गणतंत्र पर वे भारत नहीं आ रहे हैं। तो इससे पहले 2019 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट सिरिल रामपोसा चीफ गेस्ट रहे, 2019 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामपोसा
और 2020 में ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जोर बोलसोनारो जी चीफ गेस्ट थे। तो इस बार जो होने वाले थे, अब उनकी विजिट इंडिया की बोरिस जॉनसन की कैंसिल कर दी गई है। मरकरी मे डिप फ्रॉम टुमारो, जो तापमान है उसमें गिरावट हो सकती है। तो यहाँ ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक मिनिमम टेम्परेचर, ये कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं, अधिकतम तापमान दिन में लगभग 2 बजे रिकॉर्ड किया जाता है। 2 बजे क्यों? मैक्सिमम टेम्परेचर 2 बजे इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इस समय जो पृथ्वी है, सूर्य के प्रकाश से लघु तरंग विकिरण के रूप में गर्म हो रही होती और यह 2 बजे तक पूर्ण तरीके से हीट हो जाती है। और जब ये 2 बजे अधिकतम तापमान प्राप्त कर चुकी होती है, फिर ये उत्सर्जन स्टार्ट कर देती है। इसलिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन में 1 या 2 बजे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच रिकॉर्ड किया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि दिन में जो पृथ्वी है, सूर्य के प्रकाश से लघु तरंग विकिरण के रूप में हीट प्राप्त कर रही होती है, तो इस दौरान ये सुबह 4 से 5 बजे तक पूर्ण रूप से दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में अपनी विकिरण को उत्सर्जित कर चुकी होती है। तो ये 4-5 बजे के बीच ये यही अवस्था है जहाँ पर जो अर्थ है कम्प्लीटली रूप से अपना उष्मा को उत्सर्जित कर चुकी होती है। तो इसलिए मिनिमम टेम्परेचर जो है सुबह 4 से 5 बजे के बीच रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है, यानी जहाँ पर न्यूनतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है आज तक का, वो जो अंटार्कटिका का बोस्टोक रीजन है, साइबेरिया का बोस्टोक रीजन है, वहाँ पर -88 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और दुनिया का सबसे गर्म जो स्थान है वो अफ्रीका का अल अजीज, जहाँ पर 58 सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये हुआ टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूज। यानी अब आपको मालूम हो गया है कि जो ये टेम्परेचर है हाईएस्ट कब रिकॉर्ड किया जाता है, अधिकतम और न्यूनतम। इसी में एक है IMD, ये जो IMD है, IMD मौसम से संबंधित फोरकास्ट, जितने भी फोरकास्ट होते हैं साइक्लोन का फोरकास्ट, तो ये IMD करता है। IMD जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करती है और इसकी जो स्थापना है 1875 में इसको स्थापित किया गया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में
ये मौसम से संबंधित फॉरकास्ट करता है, और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी। आईएमडी का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाईकोर्ट परमिट ट्रांसजेंडर टू कॉन्टेस्ट पंचायत पोल फ्रॉम वुमेंस कैटेगरी। बॉम्बे ऐसा पहला स्टेट बना है जहां पर ट्रांसजेंडर को वुमेंस के इक्विवेलेंट जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायती राज सिस्टम है, उसमें इलेक्शन लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये करंट बेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बना है जिसने ट्रांसजेंडर को यानी थर्ड जेंडर को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे दी है? तो ये बॉम्बे। तो पंचायत जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, और जो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 है, ये म्यूनिसिपालिटीज नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट, पीएम इनॉगरेट्स कोची मैंगलोरी एलएनजी पाइपलाइन। प्रधानमंत्री कोची टू मैंगलुरु एलएनजी पाइपलाइन का उद्घाटन किए। तो एलएनजी पाइपलाइन जो कोची से मंगलुरु के बीच 450 किलोमीटर तक लंबी है, इसका उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया। तो जो एलएनजी है, एलएनजी का प्रयोग कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस में, और अदर जो इंडस्ट्रियल यूज है उसके लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल के रूप में हम एलएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एनर्जी के क्षेत्र में 6% प्रजेंट में हम नेचुरल गैस का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि 2030 तक इसे 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। एथेनॉल का प्रयोग हम पेट्रोलियम में प्रजेंट में 5% कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में 5% का यूज हम कर रहे हैं, जिसे 20% का एम रखा गया है। तो इसमें है करंट बेस क्वेश्चन कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोची से मंगलुरु के बीच एलएनजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है वो कितने किलोमीटर है? 450 किलोमीटर। एलएनजी पाइपलाइन पहली बार देश में 1978 में, 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहीं से निकल कर आता है गिल। आखिर गिल क्या है? गिल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर पीएसयू है, और यह प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है।
यह प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, गैस वितरण, अवशोषण यानी उसका अन्वेषण, प्रोडक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए कार्य करता है, जिसे अगस्त 1984 में स्थापित किया गया। पहली बार एलएनजी पाइपलाइन 1978 में 15,000 किलोमीटर की शुरुआत की गई थी। एचबीजे पाइपलाइन हाजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, यह दक्षिण बसीन मुंबई हाई हजारी, कोयली, बीजापुर, जगदीशपुर और बरेली, आंवला, बबराला तक जाती है। इसे 30 ऊर्जा संयंत्रों को गैस की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एनआईए चार्जशीट 20 इन गोल्ड स्मगलिंग केस। 20 को एनआईए ने गोल्ड के स्मगलिंग केस में चार्जशीट दायर की। तो इसमें जो एनआईए है, ये एनआईए के बारे हम देखते हैं। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है और यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह राज्यों से विशेष अनुमति लिए बिना भी या उन राज्यों के अंदर आतंक संबंधी जो भी अपराध हैं उससे निपटने के लिए यह सशक्त है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। आज की डेट में इसके जो महानिदेशक हैं योगेश चंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, टुडे एशियन वाटर बर्ड सेंसस ऑफ फ्लाइंग स्टार्ट। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के एक्सपर्टों द्वारा जो वाटर बर्ड सेंसस है, एशियन वाटर बर्ड जनगणना, तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। तो इसमें जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री या वन जीव सुरक्षा में कार्य करने से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1883 में की गई थी और यह पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली से संबंध रहने के कारण यह प्रसिद्ध है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी वन जीवों एवं उनके संरक्षण के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर जो चर्चा में कोरिंगा वन जीव अभ्यारण्य, कोलेरू झील और कृष्णा अभ्यारण्य, कोरिंगा वन जीव अभ्यारण्य, कृष्णा अभ्यारण्य और कोलेरू झील, ये जो हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हुआ वह जो बर्ड सेंसस है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडिया आउटपुट सेट टू एक्सपैंड इन फाइनेंशियल ईयर 2020 वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया का ग्रोथ रेट
5.4% की वृद्धि के साथ होगा। और जो ग्लोबल का वैश्विक ग्रोथ रेट है वो 4% बढ़ने के आसार, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो सर्वे जारी किया गया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक विशेष संस्था है जिसका मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों को रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वाशिंगटन DC USA में है और इसकी स्थापना 1944 में 1944 में की गई थी। इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं डेविस मालपास, इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।